अच्छा ये भी होता है ना, भूल गया, ये इधर से आ रहा है। मार्क द लोकेशन। साला कैंपर। हेलो, हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज के इस गेम प्ले में मैंने किया है 20 से ज़्यादा किल और ये गेम प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है। मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ अनिश के साथ डुओ वर्सेस स्क्वाड, बट बीच में मेरा टीममेट अनिश मर जाता है और फिर मैं सोलो क्लच करने वाला हूँ। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा और स्टार्टिंग में जो आप लोग सीन देखे थे वो इसी गेम प्ले का है। तो आप लोगों को क्या लगता है, वहाँ मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो आप लोग कमेंट में बताना। अब बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। तो हम लोग जंप करते हैं मिल्टा फैक्ट्री में और ये पहले हॉट ड्रॉप होता था, बट अब यहाँ पे बहुत ही कम बंदे जंप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं तो हम लोग को कोई बंदा नहीं दिखता है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे लूट करते हैं तभी हम लोग को साउंड आता है कुछ बंदों का। अरे बंदे, बंदे उतरे यहाँ पर। अब ये मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो इसका टीममेट होता है वो यहाँ से भागने लगता है। जैसे कि आप लोग को वहाँ पे दिख गया होगा ये मार्क में, तो यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ वो बंदा को स्पॉट करने का, बट वो बंदा यहाँ से कवर में रहता है तो मैं नहीं मार पाता हूँ। तो फिर मैं पीछे आता हूँ, थोड़ा लूट करता हूँ और वो बंदा दूर भाग रहा था, मतलब उसके पास कोई गन नहीं होता है। तो मैं जानता था वो बंदा ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, तो मैं गन लेता हूँ और उस पर डायरेक्टली रश कर देता हूँ। और मेरा टीममेट ऊपर होता है तो उसको बंदा दिख जाता है, वो मारने का ट्राई करता है बट वो नहीं मार पाता है, मतलब उसे डैमेज देता है बट वो बंदा कवर में चल जाता है। तो फिर मैं बैरल लेता हूँ और राइट से फ्लैंक करता हूँ। जाना जाना, दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, मतलब मेरा टीममेट मार रहा था, तो यहाँ पे मैं मार देता हूँ और ये दो बंदे होते हैं जो कि डेड हो आते हैं। अब कुछ और बंदे होते हैं जो कि जंप करते हैं मिल्टा पावर में, यानी कि जो यहाँ पे एक और जगह है उस जगह जंप करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा लूट करते हैं और लूट करने के बाद हम लोग वो बंदे पर रश करने के लिए निकलते हैं। अब गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को न्यू मिल्टा पावर फैक्ट्री या फिर पुराना वाला अच्छा लगता है। यानी कि गाइस, आप लोग को पता होगा जो हम लोग का रैंगल 2.0 का अपडेट आया उसके पहले जो हम लोग का मिल्टा पावर था, मिल्टा पावर फैक्ट्री था, वो ज़्यादा अच्छा था मेरे हिसाब से। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को कौन सा ज़्यादा पसंद था। अब यहाँ पर मेरा टीममेट गाड़ी ले आता है, तो यहाँ मैं जाता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ और अब जाते हैं वो बंदे पर जो कि मिल्टा पावर पर जंप किए हैं। तो यहाँ पे गाइस, जो अपडेट आया रैंगल 2.0 का, उसके बाद बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है बट बहुत कुछ खराब भी हुआ है। अब यहाँ पे मैं निकलता हूँ गाड़ी से तो मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है। अब इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये बंदा मस्त आराम से जा रहा है तो मैं नहीं मारता हूँ। लेकिन इसका टीममेट यहाँ पे कवर देने लगता है और हम लोग पे फायर करने लगता है, तो फिर मैं ऐसे नॉक कर देता हूँ। और फिर मेरे टीममेट को पीछे भी एक बंदा दिख गया था, मतलब वो भी हम लोग पे रश करने वाला था। तो सबसे पहले मैं सामने वाला बंदा को नॉक करता हूँ यहाँ पे स्नाइपर से। अब ये बंदा भाई, मैं फायर करता हूँ, थोड़ा डैमेज होता है, फिर ये लेट जाता है तो मुझे दिखता नहीं है, बट जो एबिलिटी होता है उससे मुझे बंदा दिख जाता है और मैं इसे नॉक कर देता हूँ। अब तीनों बंदा नॉक हुआ था, इसका मतलब इसका एक और बंदा यहाँ पे बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सबको कंफर्म नहीं करता, थोड़ा वेट करता हूँ कि इसका लास्ट बंदा इसको बचाने के लिए आ सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका लास्ट बंदा यहाँ पे होता ही नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से लूट करते हैं और यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी देखो क्या होता है। अरे पीछे पीछे पीछे, स्कैनर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन तभी मेरे टीममेट को स्कैनर दिख जाता है, मतलब अगर कोई एनिमी यूज करता है तो यहाँ पे रेड कलर का एक स्कैनर आता है जो कि आप लोग को लेफ्ट में दिख गया होगा, यानी कि यहाँ पे रियल बंदे हैं। व्हाट पर कर रहा है भाई, क्या। ये रियल नहीं था। अब सबसे पहले मैं बॉट भैया को नॉक करता हूँ स्नाइपर से और फिर मेरा टीममेट स्कैनर यूज करता है, तो उसे यहाँ पे दो बंदा दिख जाता है, जिसकी आप लोगों को दिख गया होगा, एक पेड़ के पीछे था और एक यहाँ पे जो वॉल है उसके पीछे। तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और उस बंदे पे रश कर देता हूँ।
अब ये भैया जी मस्त यहाँ पे सांप बने हुए थे, इसे लगा कि यहाँ पे कोई देख ही नहीं सकता भाई, मतलब हम लोग डिटेक्टर यूज कर चुके हैं, फिर भी वहां से नहीं निकला। अब एक और बंदा होता है जो कि पेड़ के पास होता है, अब देखो मैं कैसे इस बंदा को मारता हूँ। अब ये बंदा मस्त यहाँ पे लेटा हुआ था, तो इसलिए मैं स्नाइपर से इस बंदा को नॉक करता हूँ, और इसके पास कोई लूट नहीं होता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे सांप बन गए थे। अब यहाँ पे मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अब हम लोग वहाँ से निकलते हैं और हम लोग जा रहे थे ड्रॉप पे जो कि फार्म में हुआ था। और इस जगह पे भाई आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड एक साथ फाइट होगा, तो यहाँ से आप लोग वीडियो को मचा लो। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये गाड़ी वाला बंदा मिलता है जो कि यहाँ से भाग रहा था, तो मैं ये बंदे को नॉक करके कंफर्म कर देता हूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉप के पास, क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे आ सकते हैं, और ये बंदा अकेला आया था इसका मतलब टीममेट भी आसपास हो सकता है। तो फिर मैं बोलता हूँ टीममेट को यहाँ पे रोक दो, और मेरा टीममेट भाई बग्गी फंसा देता है, तो मैं बग्गी निकालने के लिए यहाँ पे जाता हूँ, तभी मेरे टीममेट को कुछ और बंदे स्पॉट हो जाते हैं। दो बंदे और भाई साहब तभी ये गाड़ी हम लोग पे रश कर देता है और मैं तीनों बंदे को मार देता हूँ। सो अगर आप लोगों को ये क्लच पसंद आया तो लाइक कर देना। अब यहाँ पे मैं वो बंदे को नॉक करके कंफर्म कर देता हूँ। अब वहां पे एक और बंदा होता है जो कि पेड़ के पास होता है, मतलब पेड़ के पीछे होता है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ वो बंदा पे पिक लेने का, बट वो बंदा पिक नहीं देता है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा लूट करता हूँ। और भाई साहब मैं बोलता नहीं यदि लाइक करने के लिए, बट लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लूट करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर वाला बंदा को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब जैसे मैं फायर करता हूँ तभी उसका टीममेट क्लोज आ चुका है जो कि हम लोग को राइट से फायर करता है, और यहाँ पे एक बॉट भैया आते हैं तो उसे मैं मार देता हूँ, और फिर मैं थोड़ा फ्लैंक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वहाँ रहता तो वहाँ पे 2 बंदे हैं जो कि हम लोग को नॉक कर सकते हैं, इसलिए मैं घर के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, बट मुझे ऐसे कोई बंदा नहीं दिखता है, तो फिर हम लोग पीछे आते हैं, वो गाड़ी लेते हैं और ये बंदे पर रश कर देते हैं। अब यहीं पर भाई मेरा टीममेट मर जाएगा, देखो भाई क्या होता है। अब मुझे लगा था जो बंदे वो स्क्वाड्स में पहुंच चुके हैं। आ रहा नीचे, पीछे आ रहा, पीछे से आ रहा है। लेकिन ये बंदे पीछे ही होते हैं और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और कंफर्म भी कर देता है, मतलब भाई क्या ही बंदा था। और भाई साहब मुझे पता नहीं था बंदा मैं पीछे नहीं, तो फिर मैं अंदर जाता ही नहीं, वैसे मेरा टीममेट का यहाँ पे जॉयस्टिक ग्लिच हो चुका था इसलिए वो अंदर नहीं आ सका, और इसलिए वो मर गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ मैं थोड़ा लूट करता हूँ, और मेरा यहाँ पे 19 किल हो चुका था। अब यहाँ मैं हो चुका था अकेला, इसलिए मैं स्नाइपर छोड़ देता हूँ और यहाँ मैं एक और ऑटोगन ले लेता हूँ। अब इसके बाद वो सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोग स्टार्टिंग में देखे थे। तो वहां से निकलने के बाद मैं जा रहा था बंदे खोजने के लिए, तभी मुझे लेफ्ट से फायरिंग का आवाज आता है, तो मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ से मैं बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। स्पॉन तो नहीं है और जो भी और लेटा हुआ सामने 255। अब वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, बट वो बंदा कवर में चल जाता है। अब यहाँ पे मैं गाड़ी लेता हूँ और थोड़ा फ्लाइंग करता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे पूरा स्क्वाड होगा तो मैं अगर सामने जाऊँगा तो मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी लेता हूँ और यहाँ पे मैं रोकता हूँ सामने जाके। अब इस बंदे को मैं मारता हूँ तो ये बंदा डायरेक्टली डेड हो जाता है, लेकिन तभी कोई और बंदा मेरे पे फायर करने लगता है। तो इसको मैं डैमेज देता हूं और मैं नॉक भी कर देता हूं। तो इसके बाद मैं गाड़ी लेता हूं और डायरेक्ट ही वो बंदा पे रश कर देता हूं, लेकिन अभी देखना भाई क्या सीन होता है।
तो यहाँ पे मैं गाड़ी से घुमाता हूँ और मुझे ये बंदा दिख जाता है, जिसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। और अब आप लोग को स्टार्टिंग वाला सीन दिखेगा। अब राइट वाला पत्थर पे एक बंदा था, मुझे नहीं पता था। बच्चे हो और लेफ्ट में भी दो बंदा आ चुका था, तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ और भाई कैसे करके बच जाता हूँ। यहाँ भी भाई एकदम इम्पॉसिबल था, मतलब मेरा हेल्थ देख सकते हो, मतलब मैं मरने ही वाला था, बट मैं बच जाता हूँ कैसे भी करके। तो यहाँ मैं आके पहले हील करता हूँ और यहाँ मैं रिलोड करता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला था जोन के लिए, लेकिन भाई वो बंदे उल्टा मेरे पे रश करने के लिए आ जाते हैं। और देखो भाई यहाँ पे क्या होता है। और भाई मैं तीनों बंदा को मार देता हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दो। अबे पेटी बन जाएगा, बीच में निकलो यहाँ से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इमोट करता हूँ ये बंदे को चिढ़ाने के लिए, और फिर थोड़ा एमो उठाकर यहाँ से मैं जोन निकलता हूँ। अब जैसे मैं रोजो के पास पहुँचता हूँ तो यहाँ पे कुछ फायरिंग का आवाज आता है। अबे हिल में रोजो हिल। अब अनीस और कुछ बंदे रोजो खेल में दिख जाते हैं, तो मैं बग्गी घुमाता हूँ, पीछे आता हूँ, क्योंकि मैं अकेला था। अगर मुझे कोई बंदा मारता तो मैं डायरेक्टली लॉबी पहुँचता, क्योंकि मैं अकेला था। तो इसलिए मैं बग्गी घुमाता हूँ, पीछे आता हूँ और यहाँ पे मैं बग्गी रोकता हूँ। अब यहाँ से मैं देखता हूँ सामने वाला बंदे को। अब सबसे पहले मुझे ये बंदा दिखता है जो कि यहाँ पे टीपी भी ले रहा था, तो मैं इसको नॉक करके कंफर्म करता हूँ। और तभी मेरे रडार में एक और बंदा स्पॉट होता है जो कि रेड घर में होता है, और मुझे एक ही बंदा स्पॉट होता है, मतलब वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बंदा है, तो मैं डायरेक्ट ही रश कर देता हूँ। और यहीं भी भाई मैं गलती कर देता हूँ, मतलब मुझे फाइट नहीं लेना था। यहाँ पे वो बंदा मुझे डैमेज देता है, 1 HP कर देता है, और जो एबिलिटी होता है उससे मैं मर जाता हूँ। और वो बंदा का भी HP देख सकते हैं भाई, 1 HP था। अगर मेरा भी एबिलिटी का लेवल 3 होता तो मैं इसे भी नॉक कर देता, लेकिन भाई इसका पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर था, मतलब भाई कुछ डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। खैर गाइस, अगर आप लोग को ये गेम प्ले पसंद आया 25 किल्स का, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली गेम प्ले वीडियोस ला रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।